जी वियर, तो मैं ये हरम की तरफ जा रहा हूँ और अब यहाँ से वीडियो बनाऊँगा। मैंने बनाई है उसके ऊपर, क्या नाम है, DJI पे, लेकिन वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई है। तो चलें, मैं आगे की तरफ करता हूँ तो आप देखिएगा। अच्छा, वो जो सामने जो है ना, वो सारे ओहद के पहाड़ हैं। ये सारा इलाका जो है ये टूट चुका है, काफ़ी हद तक टूट गया है, टूट रहा है। और ये सारे जो होटल हैं ना, वो यहीं पर ही आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड कर रहे हैं। और बताने वालों ने यहाँ तक बताया है कि ये जो है ओहद के पहाड़ तक जाएगा। अच्छा, हर नमाज का जब टाइम होता है तो पूरी खलकत जो है आउट से लाखों के हिसाब से, मैं कह सकता हूँ सबका जो रुख होता है, चारों तरफ जो गेट हैं, सबका जो रुख होता है वो हरम की तरफ होता है, मस्जिद नबी की तरफ। मैं इस वक्त मदीना में हूँ। ये देखें, ये सारा इन्होंने तोड़ के, ये मेरा कमरा, ये इस बिल्डिंग के अंदर कमरा है। तो मैंने ऊपर से देखा है तो जगह पूरी की पूरी इन्होंने फ्लैट कर दी है। तो अब ये बच्चे जो हैं, ये दो दो रियाल में कबूतर के लिए दाना। ये सारी मार्केट जो है, ये सारी की सारी टूट जाएगी। सामने हरम है और जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ से अगर तेज़ तेज़ चलें तो 15 मिनट का रास्ता है, और अगर आप आराम आराम से चलेंगे तो 20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, इन होटलों की आबादकारी जो है, मोस्टली जो है ये काफ़ी महंगे होटल होते हैं अगर आप इंडिविजुअल उस पर लेते हैं, नहीं तो मोस्टली जो है यहाँ पर ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं और उनके ऊपर ये होटल चल रहे हैं, क्योंकि ये पैकेज देते हैं 20 आदमियों का, 30 आदमियों का, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, इवन पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और कैनेडा, USA से। तो ये उसका जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। ये देखें ना बच्चा, इस बच्चे की उम्र है कि काम करने की, कुर्सी बना रहा है ये। अब ये जोहर की जो नमाज है, ये वापसी में आऊँगा तो ये पूरे का पूरा जो फुटपाथ है ना, ये भर चुका होगा। ये देखें, ये सारी जो हैं, जो मार्केट में सामान 10 रियाल का मिलता है, इनके पास से 5 रियाल में मिल जाता है, पजामे वगैरह। तो अगर आप इस तरफ आते हैं, मैंने जो बेवकूफ़ियाँ की हैं कि जी बहुत सारी टी शर्ट्स सब कुछ यहाँ मिल जाता है, अपना सामान लोड करके क्यों आए, किसी भी वजह से आपका सामान ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसका बेस्ट ये है कि ये देखें कबूतरों का, ये देखें व्यूअर, ये देखिए सारी मार्केट है इस तरफ। देखिए कितना लोग जो है, अल्लाहु अकबर, डजंट इट फील गुड। ये देखें, इन्होंने जाना नहीं है, इन्होंने यहीं से चक्कर काटना है और आके फिर ये जो है ना, ये देखें, जा 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 जा
मक्का 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 हाउ मच हाउ मच सेवेंटी ओके तो देखें ये 70 रियाल में जो है ना यहाँ से ये लोग आपको मक्का ले जाएंगे 5 घंटे का रास्ता होता है तो इट्स नॉट बैड और वैसे ट्रेन भी जाती है आपको तो देख रहे हैं आप ये सारा का सारा ये पहले जो जिन मार्केट से मैं गुज़र के आया हूँ पहले यहाँ पर वो सारी मार्केट थी गलियाँ थी सारी और मैंने आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट कि 80s में मैंने वो सारा इलाका देखा है सारी गलियाँ यही जो दुकानें आपको लेफ्ट साइड पर तो फिर भी बहुत अच्छी हाल जिस तरह पाकिस्तान इंडिया वगैरह में दुकानें होती हैं जिस तरह की गलियाँ होती हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टीनेंट कह लें उसके बहुत सारे असरात यहाँ पर रहे थे यहाँ पर ज़बान सारी की सारी जो है ना अभी भी आम दुकानों की बात कर रहा हूँ मोस्टली जो है ना लोग उर्दू बोलते हैं अरबी उर्दू समझते हैं बोलते हैं इवन साइन जो है सारे उर्दू में लिखे हुए जन्नतुल बकई में जन्नतुल बकई बकई मेरी ज़बान से नहीं चल रहा सब के सब जो साइन है ना वहाँ पर चाहिए इन्होंने अभी ये नया नया मैंने इससे पहले नहीं देखा था ये एक अच्छा सेटअप है एक तो इन लोगों की जो औरतें यहाँ मस्जिद मोस्टली काम कर रही हैं एक तो उनको रोज़गार मिला है और लोगों को सस्ता फूड मिल जाता है देखें और आपको अच्छी खासी आबादी जो है ना पाकिस्तान से जो लोग जिनका ताल्लुक है अफगानिस्तान पाकिस्तान शलवार कमीज़ की बहुत आता है हम तो उसी से अंदाज़ा लगाते हैं अगर पठान है तो वो नहीं फिर पहचान पाएंगे ये अफगानिस्तान का है ये पाकिस्तान का है धोती वाले मोस्टली जो है बांग्लादेश से होते हैं खैर पेंट शर्ट में भी होते हैं तो ये जो है ना यहाँ पर मैंने कल 2 रियाल में एक पकौड़ा अकलात है शबी शायद आज पढ़ा नहीं जा रहा है ये देख रहे हैं आप ये पहले ये सब जो थी ना छोटी दुकानें थी यहाँ पर इन्होंने इसको बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी कह लें और मैं समझता हूँ कि हालांकि मैं बहुत इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि ये क्यों तोड़ रहे हैं इसको क्यों मैनहट्टन बना रहे हैं लेकिन द वे थिंग्स आर कमिंग इन फ्यूचर 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद जिस तरह मैं पहले कह रहा था वो आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये देखिए पब्लिक कितनी खलकत आ रही है कितनी खलकत जो है ना यहाँ पर हम आके चली आ रही है और ये सारी जो है ना सिर्फ एक नमाज के लिए अभी अच्छा मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जहर के वक्त आते हैं यहाँ पर और फिर ईशा पे जाएंगे मैं जिस तरह हूँ यहाँ पर जहर पे आऊँगा असर पे चला जाऊँगा 1 घंटा रेस्ट करूँगा फिर मगरिब से ईशा तो मगरिब से ईशा का मतलब ये है कि फिर आप ईशा पढ़ के आते हैं अब कई लोग हैं जो फजर से आते हैं और ईशा तक रहते हैं जो दूर से आते हैं लोग अच्छा अब ये जो है ना यहाँ इनको या तो लाइट लगाएं या यहाँ पुलिस वाला खड़ा करें अब ये राइट साइड पे सारा ट्रैफिक जो है ना जम जाता है ये देखें ये हिप हॉप की बस है ये तकरीबन 60 या 65 रियाल लेती है मुझे सही तरीके से याद नहीं है लेकिन जब मैं यहाँ से निकलने लगूँगा तो एक दफ़ा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा हमें ना हिप हॉप के बच्चे तक 14 या 15 मकाम पे लेके जाते हैं मोस्टली जगह मैं एक दफ़ा फिर रहा हूँ सिर्फ यूट्यूब के लिए एक दफ़ा बर्ड्स आए भी ऊपर बैठ के क्योंकि ऊपर वो खुला हुआ है तो ऊपर से वीडियो बनाना आसान है एक दिन ही अच्छा इस तरह पास होगा और मैं यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर क्योंकि मेरी वापसी 21 फरवरी की है तो आई एम हेयर गुड 2.5 मंथ्स 12:13 पर अजान होगी और 12:30 जमात खड़ी होगी डंकिन डोनट्स यहाँ सारे मैकडॉनल्ड KFC डंकिन डोनट ये वो लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन ये सारा जो प्राइस है वो डॉलर के अंदर है उससे आगे मल्टीप्लाई कर उस पर 10-20 रियाल 10 रियाल ऊपर ही रखते हैं लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो फिर आप इनके पास ना जाएं क्योंकि वहाँ पर हमें ये देखें अजान हो गई ये जोहर के अजान को ये छतरियों का भी एक बड़ा सुबह के वक्त जो है ये खुलती हैं और रात शाम के वक्त जो है ये छतरियाँ बंद हो जाती हैं मैं ये बाब फहद साइड पे हूँ
साथ ही चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, जो जमजम का पानी मक्का से इन्होंने क्यों पाइपलाइन लगाई है, क्या लगाई है, तो यहाँ पर जितने भी पानी पीने का इंतज़ाम है हरम के अंदर, सारा पानी जो है जमजम का पानी है। चले भी अजान हो रही है तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, थोड़ी देर बोलूँगा नहीं, आगे तक आप देखिएगा तो एक ये वीडियो बन जाएगी। कितने मिनट की हुई है? 10 मिनट की हो गई है। इसमें 2 बजे के बाद जो है ना ये मिस छोड़ देंगे, मैंने YouTube पे डाल दिया है वो वीडियो। हल्की फुहार होती है जिस तरह कूल ब्रीज टाइप का, इन पंखों से ना फिर वो पानी की फुहार होती है तो बड़ा अच्छा एक ठंडा माहौल होता है। यहाँ से बनाता हूँ, नहीं सब तो छतरियाँ आ गई। ये देखें भैया, अभी ये बाप फहद है गेट नंबर 22 और ये बाहर का जो गेट है उसके 334। ये देखें यहाँ से जगह जगह सेक्शंस हैं औरतों के और मर्दों के अलग अलग सेक्शंस हैं। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। जी से भैया, तो देखें अभी मैं उस वक्त आते हुए मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मार्केट सजी नहीं थी। नॉर्मली ये जोहर के बाद जो है मार्केट ये सज जाती है। जो मार्केट में चीज़ अगर 10 रियाल की या 15 रियाल की तो इनसे 5-7 रियाल जो है ना कम मिलता है। अब ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान वगैरह में काफ़ी महंगी होती हैं। अब ये नहीं पता क्या चीज़ होती है, आई डोंट नो। बाकी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश वगैरह, गांव गिरां से लोग आते हैं तो उनके लिए ये एक तोहफा होता है, कुछ ना कुछ तो ले जाके देना है ना किसी ना किसी को, 2-2 रियाल, 4-4 रियाल, 1-1 रियाल, 5-5 रियाल में इस तरह इनको सामान मिल जाता है। लेकिन इन औरतों की हिम्मत है निकाब में, काले बुरके में और इस गर्मी में। हमें टी शर्ट में गर्मी लगती है, इस वक्त भी तकरीबन 28-29 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर। जैसे पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था वो है सामने ओहद के पहाड़, तो वहाँ तक मैं पैदल गया था और कल का मेरा ये देखें ये सारे पत्थर। ये देखें, हाँ तो मैं उस वीडियो में जिक्र कर रहा था कि लोग खाम का वहाँ से भर के कपड़े लाते हैं। आई मीन यहाँ पर सस्ता कपड़ा मिल जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि चले आप ब्रांड नेम पहनने वाले हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो खाम खाई आप लोड करके लाते हैं वहाँ से। हाउ मच दिस स्मॉल वन, हाउ मच? अब ये छोटी जानमाज जो है 5 रियाल की है, पाकिस्तानी हिसाब से अगर मैं 60 पे भी करूं, चले 63 का भी है तो 6 पे 300 रुपये का। हाँ तो मैं ये ओहद के पहाड़ है सारे, तो कल मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है 20 किलोमीटर वॉक का, 20 पॉइंट समथिंग। इससे पहले मेरा रिकॉर्ड था गुआंजो में, एक दफ़ा मैं 19 किलोमीटर चला था। ये पता नहीं क्या चीज़ है, फिर बताइएगा ये क्या चीज़ है।
ہے دبار. اچھا یہ ساری جا نماز جو ہیں موسٹلی جو ہیں درمیانے قسم کی دینے والی وہ 10-10 ریال میں مل جاتی ہیں. یہی میرا خیال دکان میں 15 ریال کی ہوگی. چلیں بھیا میں مارکیٹ میں آ گیا ہوں, میرے 7 ریال میں بھاجی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. چلیں بھیا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لائک آئی آلویز ریکویسٹ پلیز سبسکرائب مائی ویڈیوز.